क्वेश्चन नंबर 13, सब्जेक्ट 28,576 फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 0, 5, 8 and 1. मीन्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको 28,576 सब्ट्रैक्ट करना है किससे, जो उन्होंने चार डिजिट दिए हैं, पांच डिजिट दिए हैं, उसका लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का सम करके. आइए देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 3, 0, 5, 8, 1. इससे लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मतलब जानते हैं आप ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों ही नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे, उनका सम करेंगे. आफ्टर दैट 28,576 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लीस्ट नंबर क्या बनेगा. बस लीस्ट नंबर बनाते समय एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी जीरो आगे नहीं रखना है, क्योंकि किसी नंबर के आगे जीरो लग जाता है तो वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रखता है. इसीलिए हमेशा पहले लीस्ट नंबर बनाते समय इसमें सबसे छोटा कौन सा है आपको दिख रहा होगा, जीरो. तो जीरो अगर आप आगे रखोगे तो नंबर क्या बनेगा, मैं आपको बता देता हूं, 0, 1, 3, 5, 8. लेकिन ये गलत है. सही जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 आगे आएगा, 0, 3, 5, 8. समझ में आया. सेकंड नंबर जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा. ग्रेटेस्ट में कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सबसे बड़ा नंबर उठाओ, 8, 5, 3, 1, 0. कोई प्रॉब्लम. अब सम करना है इन दोनों का तो सम कर दीजिएगा. सम कैसे करेंगे, 8, 5, 3, 1, 0, 1, 0, 3, 5, 8. एडिशन करेंगे तो 8 और 0, 8, 5, 1, 6, 3, 3, 6, 5, 0, 5, 8 और 1, 9. अब इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम मतलब पहले जो नंबर सम होके आया है वो आएगा. तो 28,576 इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 9, 5, 6, 6, 8, 28,576 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. 8 से 6 जाएगा तो आपका 2. अब यहाँ बड़ा नंबर है ऊपर छोटा है तो इधर से कैरी ले लो, यहाँ बचेगा 5, इधर हो जाएगा 16. 16 से 7 जाएगा 9, 5 से 5 0. अब यहाँ एक कैरी लेना पड़ेगा इधर 8, इधर हो जाएगा आपका 15. 15 से 8 जाएगा तो 7, और यह 8 से 2 6. आंसर आएगा आपका 67092. क्लियर हुआ.